भी इन मंत्रों के प्रभाव से स्वस्थ हो गया और उसमें बच्चा निकल आया, तोते का बच्चा भी प्रफुल्लित स्वस्थ हो गया। अब पार्वती तो समाधिस्थ होने लगी, आनंद शान लग गया, उसने मदहोश होगी अंदर, कमलों के ऊपर उसकी नजर दृष्टि पहुंच गई, वो तो लागी अंदर फिल्म देखने, बोलना बंद कर दिया। उधर से तोते के बच्चे ने स्वीकृति देनी शुरू कर दी, हाँ 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 ऐसे करने लग गया। तो भगवान शिव ने देखा भी पार्वती तो ध्यान मग्न है, बोला कौन है, किसने सुन लिया ये मंत्र, ये तो बात बिगड़ गई। जब देखा उसने खड़ा होकर तो पक्षी उड़कर भाग लिया, उड़ लिया, भगवान शिव जी पीछे पीछे भी सिद्धि से उड़ लिए कि इसको मारूंगा नहीं तो ये आगे कहीं दुखी करेगा, ये इसने मंत्र सुन लिया, सिद्धियां इसमें आ जाएंगी, ये परेशान करेगा भक्तों को, जनता को, इसको खत्म कर देता हूँ, पीछे भाग लिया। तो पक्षी ने जाके वहाँ व्यास जी की पत्नी, वेद व्यास जी की पत्नी ने जमाई ली, अपना शरीर छोड़ के उसका सूक्ष्म शरीर से उसके मुंह के माध्यम से गर्भ मच लगा पेट में। समय आने पर फिर वो उनका मिलन हुआ, तब गर्भ में बालक रूप धारण कर लिया। तो भगवान शिव ने जाकर कहा कि हे व्यास की पत्नी, तेरे पेट में गर्भ में मेरे ज्ञान का चोर है, इसने मैं मारूंगा। अब व्यास जी कहने लगे, हे प्रभु कैसा ज्ञान कैसा चोर, हमें कुछ बताइएगा, सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे मैं पार्वती को नाम मंत्र सुना रहा था, इसने मंत्र सुन लिया, अभी वो अमर हो गया, इसने मारूंगा। अब वो व्यास जी कहने लगे, हे महात्मा जी, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, एक तरफ तो आप कह रहे हो यू अमर हो गया और फिर इसने मारोगे क्यों करे, जब यू अमर हो लिया अब इसको मारोगे कैसे आप। अच्छा, अब शिव जी तो वापस आ गए, भैया बात ठीक है, इसने मारूंगा कैसे जब तू अमर हो गया और गर्भ में ये मार नहीं सकते, उसको शरीर भी नहीं खत्म कर सकते। वापस आ गए अपने आत्माओं, कहने का भाव ये है, ये तो लंबी कथा है, फिर आगे सुनाएंगे आपको शाम के समय, अब समय पूरा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जैसे पार्वती जी को जहाँ अमरनाथ स्थान बताया जाता है वहाँ यो मंत्र मिला था, जिसका पार्वती ने फिर आजीवन जाप करना पड़ेगा, कर रही है, जिससे उसकी आयु इतनी होगी जब तक भगवान शिव की मृत्यु नहीं होगी, पार्वती आगे मरे को नहीं, इसके बराबर की उम्र होगी, फिर ये दोनों मृत्यु को प्राप्त होंगे। अपुणात्माओं, इन तीर्थों धामों पर जाकर के हम मोक्ष की कामना करते हैं, ये हमारी भूल है। अब वो अमरनाथ स्थान केवल यादगार है कि यहाँ भगवान शिव ने पार्वती को दीक्षा दी थी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अब वो मंत्र आपको बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला में मिल रहा है, आपके लिए ये अमरनाथ है, वो पहाड़ नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये हैं वो बातें, वो हमने मूर्ख बनाए बैठे हैं, बीजक की बात आ कहें ये बीजक नाही हाथ, वो पृथ्वी डोबण उतरे भाई कक्के मीठी बात। बोलो सतगुरु जी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक, कबीर देव कबीर साहेब की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। परमात्मा बताते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे लख चौरासी सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमपिता परमात्मा कबीर जी ने, उस सतपुरुष अमर पुरुष ने, हम काल जाल में उलझी हुई आत्माओं को अपना निज ठिकाना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य आकर बताया,
सतलोक से चलकर आते हैं, यहाँ नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो परमात्मा कबीर जी है जो ऐसी लीलाएं करते हैं जो परमात्मा किया करते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, और वही उसी प्रकार की लीलाएं सदग्रंथों के अंदर विद्यमान हैं। जिन सदग्रंथों को हम सच मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में परमात्मा की लीलाओं का वर्णन विस्तार से कहा गया है। उनको हम समझ नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं था। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे। वेदों को पढ़ने वाले वेदों को समझ नहीं सके, पुराणों को पढ़ने वाले पुराणों को समझ नहीं सके, श्रीमद् भगवद् गीता के पढ़ने वाले गीता को समझ नहीं सके, जिस कारण से हम सभी भ्रमित रहे। लोक वेद बना करके उन नकली गुरुओं ने हम सभी भोली आत्माओं को शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान प्रचार कर दिया, लोक वेद सुना दिया, जिस कारण से हम परमात्मा की भक्ति भी करते रहे, साधनाएं भी करते रहे जो शास्त्र विरुद्ध थी। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण था, वो साधनाएं करते रहे, कठिन से कठिन साधनाएं की, लेकिन ईश्वरीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ, परमेश्वर का लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई दुख में, न कोई संकट टला, ना कोई एक्स्ट्रा लाभ हुआ, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी परमात्मा की साधना करते करते थक चुका और आखिर में नास्तिकता की ओर चल पड़े। एक बहन ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके 2-3 वर्ष के बाद उसके पिता की डेथ होगी। मैंने उस पुत्र की परवरिश की, दूसरी शादी नहीं करवाई, अपने बेटे को सुखी देखने के लिए मैंने रीमैरिज नहीं करी, जैसे तैसे अपना निर्वाह करती रही, मजदूरी करके, किसी के बर्तन साफ करके, पोचा झाड़ू ला के अपने बच्चे को पाला पोसा पढ़ाया, और उस बच्चे को सुखी देखने के लिए, उसकी दीर्घायु की डिमांड करते हुए हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी पूजाएं थी वो सारी मैं कर रही थी। कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा, इस दृष्टिकोण से कहीं कोई रुष्ट ना हो जा और मेरे बच्चे को हानि हो जा। सभी पूजाएं वो करती थी, व्रत भी रखती थी। उसने क्या बताया कि एक समय में मेरा पुत्र जब +1 में कॉलेज में जाने लगा, +2 में जब वो पढ़ रहा था 11वीं 12वीं में, उसने मोटरसाइकिल की जिद कर ली, और मैं इस डर से मोटरसाइकिल नहीं परचेज करना चाहूँ थी, इकलौता पुत्र है भगवान कहीं ऊक चूक ना हो जा, लेकिन बच्चे ने ज़्यादा जिद कर ली। मैं ये भी कभी बच्चे की डिमांड को अनदेखा नहीं करा करती, इसलिए कि कहीं इसको अपना पिता याद ना आ जा, ये न्योना सोच बैठे कि मेरा पिताजी होता तो आज मुझे ये वस्तु ला देता। तो मैं उसकी प्रत्येक डिमांड को सहर्ष स्वीकार करके उपलब्ध कराती, जैसे तैसे दुखी सुखी हो गए। लेकिन इस मोटरसाइकिल की डिमांड का ना तो मेरा ब्योंत था, और दूसरा ये डर भी मैं महसूस करती थी, लेकिन बच्चे ने ज़्यादा जिद की तो कुछ पैसे इधर उधर से करके मैंने मोटरसाइकिल उसको परचेज करवा दी। वो लड़का प्रतिदिन मोटरसाइकिल लेकर अपने एक साथी मित्र को, जो जिसका साथ में ही घर था,
उसको साथ लेकर कॉलेज जाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना बना के बच्चे को खिला के प्रतिदिन की तरह बच्चे को खाना खिला दिया, वो खाना खाकर अपने मित्र को जैसे रूटीन में जाता था चला गया, और मैंने रोटी शेष खाना बचा बनाया, रोटियां बनाई और रोटी खाने के लिए बर्तन में डाली थी। इतने में क्या देखा कि उसका साथी दौड़ा दौड़ा आया, आते ही उसने जोर से आवाज लगाई, आंटी आंटी। हाँ भाई क्या हो गया? उस लड़के के भी कपड़े फटे हुए, महसूस तो हो गया कि कोई घटना घट गई। लड़के ने बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल का और काफी चोट लग गई है। ऐसे ग्रास किया था खाने के लिए मुंह की तरफ, वो वहीं से वहीं छूट गया। सिर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं। वो लड़का भी दौड़ लिया, मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती घटनास्थल पर पहुंची। वहाँ मोटरसाइकिल टूटी पड़ी थी, लड़के को उठाकर हॉस्पिटल ले जा चुके थे, वहाँ भी काफ़ी रक्त बहा हुआ था, खून बहा हुआ था। जब हॉस्पिटल में पहुंची तो जाते ही पता लग गया कि लड़के की डेथ होगी। हॉस्पिटल का टक्कर मारी मैंने दीवार के, मेरा सिर फट गया, बेहोश होगी, 7-8 टांके आए। अब वो पुत्र भी नहीं रहा। उसके बाद मैंने सारे देवी देवता की उठा कर वह तस्वीर कुरडिया पर फेंक दी बाहर, उठा के जब मैं उसमें आई, कहीं भगवान नहीं है। पुण्यात्माओं, काल यही चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाएं कलयुग में खासकर, क्योंकि कलयुग में परमात्मा की और इस काल की एक एग्रीमेंट हुआ था। काल ने, इस ब्रह्म ने कहा था 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने कि हे प्रभु आप 3 युगों में जीव कम ले जाना सतयुग त्रेता द्वापर में, और कलयुग में कितने ही जीव आप यहाँ से ज्ञान देके अपना ज्ञान समझा कर ले जा सकते हो। तो कलयुग में काल ने ये नाना प्रकार के मजहब बनवा दिए और भिन्न भिन्न प्रकार की ये पूजाएं शुरू करवा दी, जिन पूजाओं के करने से प्राणी को कोई लाभ नहीं होता। तो वो बहन एक दिन सत्संग में आ गई। हम 5-5, 7-7 दिन के सत्संग किया करते थे नगर नगर में जाकर। तो हमारी एक बहन ने, हमारी शिष्या थी जो, उसने उस बहन को कहा कि आप सत्संग में चलो, आप तो सारा दिन दुखी रहती हो, आंखें उसकी जैसे लाल हो जाती हैं, ऐसे लाल आंखें हो रही बेचारी की, बुरा हाल। भले वो लड़के की डेथ को 1.5 साल हो गया था, लेकिन भूल नहीं पड़ती इस तरह की आपदा जब जीव पा जाती है। तो उसने काफ़ी कहा, वो तो नहीं मानती थी, कहती कितना भगवान नहीं, मैं ना मानती। तो हमारी शिष्या ने, बहन ने काफ़ी समझाया और अपने दुख बताए, हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उन हमारे रिश्तेदार के साथ। ऐसे कहने का भाव यह कि 2-3 उदाहरण दिए उसने आसपास के और भक्तों के, वो भी उनसे भी मिलाई। अब वो बहन कह रही थी जी मेरी एक इच्छा थी, चलो जो हो लिया सो हो लिया, इसका नाश्ता इसका हो लिया, कति जिसके ऊपर ये आश्रित थी वो खत्म हुआ, अब यह कम से कम अपना जीव कल्याण करा लेगी, इसका ऋषि के साथ जीवन हो गया, अब दुख तो हो लिया जो होना था। तो उसने काफ़ी कहने से वो कहने लगी, 2-4 उदाहरण सुनकर कहने लगी, चलो जो हो लिया सो हो लिया, तू अपना कल्याण तक करा ले। ये सब कहते जी आपके ये कैसेट सुनाई, पहले ऑडियो कैसेट होया करती थी जो टेप रिकॉर्डर में चलती थी। क्या बता रखा था उसमें, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संगना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आती,